नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है, और आज हम बात करेंगे कि जो 18 मार्च को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे, जहाँ सेक्टोरल लेवल पे, जहाँ जो CDPO ऑफिस लेवल पे कर सकते हैं। तो इसमें जो थीम है, जो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछती रहती हैं कि थीम कौन सा रहेगा, तो जो थीम है वो है हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस IYCF। IYCF का मतलब होता है आई फॉर इन्फेंट, वाई फॉर जंक, सी फॉर चाइल्ड, एफ फॉर फीडिंग। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं जी आपने जो है जे बताना है। दैट मीन्स ये जो सेशन होगा जे मोर जो होगा वो रिलेटेड होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टेटिंग मदर्स के। तो जो जहाँ पे हैं, जहाँ पे जो उसमें जो थीम रहेगा कि हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इसमें जो एक्टिविटी कौन कौन सी कर सकते हैं वो है कि एक्टिविटी ऑब्लिक कैंप ऑब्लिक होम विजिट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, टाइमली इनिशिएशन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ्स एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 24 मंथ्स एंड बियॉन्ड। तो जी आपने जो लैक्टेटिंग मदर्स होंगी उनको बुलाना है, जहाँ उनके होम विजिट करना है वहाँ, और उन्हें कहना है कि 6 महीने तक जो बच्चा है उसको सिर्फ माँ का दूध ही देना है। अगर हम 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देते हैं तो इससे बच्चे को भी बेनिफिट है, क्योंकि जो माँ का दूध है वो संपूर्ण आहार है, उसमें जो सभी पौष्टिक तत्व हैं वो पाए जाते हैं, और इससे जो माँ को भी बेनिफिट होता है बच्चे को भी बेनिफिट होता है। इससे बच्चा जो कई बार होता है डायरिया डाइसेंट्री लग जाती है अगर हम उपरा दूध देते हैं, तो कोशिश करनी है कि 6 महीने तक जो है वो मदर मिल्क ही बच्चे को मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फीमेल्स खासतौर पर जब प्रेगनेंसी के दौरान एंड आफ्टर प्रेगनेंसी उनका वेट एकदम बढ़ जाता है, तो अगर वो कंटिन्यूड फीडिंग करती हैं, अगर वो कंटिन्यूड माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उससे उनका वेट लॉस भी होगा, और सेकेंडली जो मेंसुरेशन डिले होगा। तो उसके बाद ये जो चीज़ें हैं आपने हर एक जो चीज़ है जे जो लैक्टेटिंग मदर को बतानी है, तो ये जो बच्चे के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। अगर हम सिर्फ 6 मंथ तक सिर्फ माँ का ही दूध देते हैं तो जो बच्चे की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, कि उसकी जो हर एक चीज़ है, जो उसका IQ है वो बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपने जो है होम विजिट या कैंप करके एक्सप्लेन करनी है। तो उसके बाद जो 6 मंथ तक तो सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए, उसके बाद 24 महीने तक, दैट मीन जब बच्चा 2 साल का होता है 24 महीने तक ज़रूर माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए, और उसके बाद भी अगर हो सके तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो उसके बाद जो है वो है जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी ऑब्लिक कैंप ऑब्लिक होम विजिट्स एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग सेफ एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री फूड एट 6 मंथ्स। तो आपको पता ही होगा कि 6 महीने तक तो सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाता है, आफ्टर 6 मंथ हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो है वो जो एडिशनल फीडिंग दी जाती है उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, जैसे उसे हम सेमी सॉलिड या सेमी जो लिक्विड डाइट वगैरह देते हैं वो ज़रूरी है। वो जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है आपने ये बताना है कि उसके लिए जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो उन्हें ज़रूर देनी है। तो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है कैंप ऑन प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आप बता सकते हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं। तो उसके बाद जो 7th है वो है अवेयरनेस कैंप फॉर डाइटरी
डाइवर्सिटी इन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब जे जो डाइट में जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं हम 6 महीने के बाद बच्चे को जो एडिशनल डाइट दे रहे हैं तो उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। यानी कि एक अगर एक दाल का सूप देने लगे तो वही मैश्ड फॉर्म में देते हैं डेली बेसिस पे, नहीं उसमें अलग अलग कभी सब्जियां होनी चाहिए, कभी जो प्रोटीन्स के एस्पेक्ट्स हैं दालें होनी चाहिए, वो दालें भी अलग अलग टाइप की जो हैं वो हम मैश्ड करके बच्चों को दे सकते हैं। वो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो बेटर जानते हैं, वो एक्सप्लेन बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। तो ये जो 3-4 एक्टिविटीज़ हैं इनमें से आप एक दो एक्टिविटी लेके अपने आंगनवाड़ी सेंटर में आप कैंप लगा सकते हैं या फिर होम विज़िट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप एक्टिविटी आंगनवाड़ी सेंटर में करें उसे डैशबोर्ड पर ज़रूर अपलोड करें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।